अगर आपको ये लग रहा हो कि न्यू एक्टर और एक्ट्रेसेस को लॉन्च करने से पहले धाकड़ पब्लिसिटी करने का रिवाज अभी कुछ ही साल पुराना है, तो जरा रुक जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी का वो राज जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का टैग किसने और क्यों दिया था? आज भी बहुतों को यही लगता है कि हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल बुलाए जाने की वजह है उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल। लेकिन जरा ठहरिए, ये किस्सा जरा दूसरा है। दरअसल राज कपूर अपनी फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर। साउथ की फिल्म के डायरेक्टर के सुब्रमण्यम ने राज कपूर से हेमा मालिनी का जिक्र किया। हेमा का स्क्रीन टेस्ट हुआ जिसमें हेमा मालिनी पास भी हुई, लेकिन अब उन्हें लॉन्च करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत थी। यहां से शुरू हुआ ड्रीम गर्ल का पब्लिसिटी कैंपेन। फिल्म के प्रोड्यूसर अनंत स्वामी ने फिल्म के पोस्टर के नीचे लिखवा दिया राज कपूर ड्रीम गर्ल। इसे फिर बदल कर रखा गया 45-year-old राज कपूर 20-year-old ड्रीम गर्ल। हालांकि ये स्टंट कुछ काम नहीं आया और फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन फैंस के दिल में हेमा मालिनी का नाम ड्रीम गर्ल के तौर पर दर्ज हो गया।